बिसमीम टुडे इज़ अवर टॉपिक फार्मेकोकाइनेटिक्स इट इज़ रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी तो फार्मेकोकाइनेटिक जो है ना हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जब ड्रग बॉडी के अंदर चला जाए एक तो वो प्रोसेस है कि ड्रग जो है ना हमारे बॉडी पे जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका क्या मेकेज़म अफेक्शन है और आ, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं उसको हम कहते हैं फार्मेकोडाइनेमिक्स लेकिन जो हमारे बॉडी ड्रग्स के साथ कर रही होती है ना उसको हम कहते हैं फार्मेको काइनेटिक्स टो द स्टडी ऑफ द बॉडीली प्रोसेस प्रोस डेट अफेक्ट द मोमेंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी इज रिफर टू एज फार्मेको कानेटिक्स इन अदर वर्ड्स वट द बॉडी डू विद द ड्रग मालिक्यूल सो देर आर फोर फंडामेंटल पाथवेज इन साइड द बॉडी फॉर ड्रग मालिक्यूल that is absorption distribution metabolism and excretion absorption distribution metabolism and excretion are sometimes referred to collectively as adme processes जब हमारे बॉडी के अंदर ड्रग चला जाता है तो वो अब्सॉर्ब होता है कुछ ड्रग मेटाबोलाइज होता है कुछ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है और कुछ जो है ड्रग मॉलिक्यूल वो एक्सक्रीट हो जाता है तो ये जो प्रोसेस है adme का एक्चुअली दिस इज टे बॉडी के अंदर ड्रग मालिक्यूल चला जाता है तो हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो इसको हम कहते हैं ड्रग् एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग होता है एबजॉर्व एब्जॉर्न के बाद तो ये चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में तो ब्लड स्ट्रीम के बाद जो है ना ड्रग टिश्यूज़ में भी चला जाता है किडनी में भी चला जाता है और साथ साथ मेटाबोलाइज भी हो रहा होता है तो जो ड्रग ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू को जाता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद जब टिश्यू में चला जाता है तो कुछ मेटाबोलिज्म टिश्यू के अंदर हो जाती है कुछ मेटाबॉलिज्म जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर हो जाती है तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म तो ड्रग जो है ना कुछ जो ड्रग है वो चला जाता है एलिमिनेशन की तरफ ये बॉडी से बाहर भी जा सकता है मुख्तलिफ पाथवे के जरिए किडनी में भी जाता है स्किन में भी जाता है तो कुछ जो ड्रग है स्वेट में एक्सक्रीट हो जाता है कुछ किडनी में एक्सक्रीट हो जाता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब ड्रग किडनी में जाएगा तो जरूर एक्सक्रीट होगा या जब ड्रग Uh, टिशू में जाएगा तो ज़रूर मेटाबोलाइज uh, होगा या जब ड्रग ब्लड में होगा तो ज़रूर मेटाबोलाइज होगा उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, हैं कुछ फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबोलिज्म और एक्सक्रीशन को इफेक्ट करते हैं ठीक है तो दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर फंडामेंटल पाथवेज फॉर ड्रग मॉलिक्यूल एंड द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी

दिस डिस्पर्सल इज़ कार्ड द डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्शन के बाद हमारा जो जो ड्रग मालिक्यूल है ब्लड में चला जाता है और ब्लड जो है ना ब्लड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है मुख्तलि टिश्यूज़ में uh, तो जब ब्लड के अंदर चला जाता है और तो टिशू में चला जाता है तो टिशू में जाने से पहले ये दोबारा सिल मेंस को क्रॉस करेगा तो या तो इंट्रासीलर फ्लूड में मौजूद होगा और या एक्स्ट्रासीलूलर फ्लूड uh, में मौजूद होगा तो एक्स्ट्रा जो फ्लूड है आ, इसको हम भी कह सकते हैं। तो ये जो ड्रग मालिक्यूल है ये ब्लड से जब टिश्यू को जाता है और टिश्यू से वापस ब्लड को जाता है तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कुछ ड्रग मालिक्यूल्स तो रिसिप्टर के साथ बाइंड होके फार्मोकोलाजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और कुछ रिलीज़ हो जाते हैं कुछ बाइंड होते हैं कुछ रिलीज होते हैं तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जारी रहता है ड्रग पार्टिकल्स इन द ब्लड स्ट्रीम आर अवेलेबल टू अंडरगो बायोकेमिकल चेंजेस रिफर टू एज मेटाबोलिज्म इन द लेवर आर अदर टिश्यूज ड्रग पार्टिकल जो है हमारे ब्लड के अंदर जो मौजूद होते हैं वो कुछ बायोकेमिकल चेंजेस उनमें होती रहती हैं ठीक है थीके? वो जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं ये टिश्यूज में भी हो सकती हैं और ब्लड में भी हो सकती हैं ये जो प्रोसेस है इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसके बाद फाइनली द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन आर फीसिस आर थ्रू स्पिटिंग जो है ना हमारे बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म ड्रग की कंप्लीट हो जाती है आ, पार्शली एक ड्रग पार्शली भी मेटाबोलाइज हो सकता है और फुली भी मेटाबोलाइज हो सकता है अब डिपेंड करता है कि उसने एलिमिनेट कब होना है और किस टिश्यू से होना है तो एलिमिनेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर किडनीज भी मौजूद हैं वो फीसिस के ज़रिए भी बाहर जा सकता है बॉडी से और वो थूकने से भी बाहर जा सकता है वो स्वेटिंग से भी बाहर जा सकता है जब मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जो है ना एक्चुअली ये हमारे बॉडी से ड्रग को गायब करती रहती है ना तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है ना दे आर बोथ पाथवेज ऑफ ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी तो एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म जो है ना ये कम्बाइनली ये जो प्रोसेस है इसको हम ड्रग एलिमिनेशन भी कहते हैं ठीक है इसके बाद है आदमी प्रोसेस जो है ना ये डिटरमाइन करता है कि ड्रग एब्जॉर्शन के बाद ब्लड में कब अपीयर होगा किस कितने टाइम तक ये ब्लड में रहेगा या बॉडी में रहेगा और कब ये जो है मेटाबोलाइज होगा कब स्क्रीट होगा कितने दिन टाइम तक ये जो है अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो करेगा तो जब तक ड्रग एक्टिव होगा तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो करेगा और जब इनएक्टिव होगा तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं करेगा तो एक ड्रग जो है बॉडी में दाखिल होने के बाद इनएक्टिव फॉर्म में जाके केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्टिवेट भी हो सकता है और डीएक्टिवेट भी हो सकता है ठीक है इन ऑर्डर फॉर ए ड्रग टू काज ए थेप्यूटिक रिस्पॉन्स इट मस्ट रीच एडिकेट कंसंट्रेशन इन द ब्लड अब जो ड्रग हमारे बॉडी में दा, दाखिल होता है और एबजार्व होता है तो अब फार्मोकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने के लिए इसको एक खास मकदार में ब्लड के अंदर मौजूद होना चाहिए अगर उससे उस, उस मकदार से या कंसनट्रेशन से वो ड्रग कम होगा तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं करेगा या अगर ख़ास मकदार जो है ना फार्माकोलॉजिकल जो हमें एक्टिविटी के लिए चाहिए उसे उस ड्रग की मिकदार ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो ये टॉक्सिसिटी भी काज कर सकती है एडवर्स रिएक्शन भी काज कर सकती है आल दो एडवर्स रिएक्शंस जो है ना दे आर नॉट रिलेटेड टू ओनली टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मालिक्यूल जो है ना ड्रग मालिक्यूल की कंसनट्रेशन जो है ना ये सिर्फ एडवर्स uh, इफेक्ट को या थेप्यूटिक को uh, शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है uh, जो एडवर्स इफेक्ट है वो किसी uh, कम मकदार से भी हो सकता है ठीक है सिर्फ ज़्यादा मकदार से नहीं होता uh, किसी को ड्रग मालिक्यूल से एलर्जी भी हो सकती है तो चाहे वो मकदार बहुत ही कम क्यों ना हो तो एलर्जी जो है ना वो शो हो सकती है द कोर्स ऑफ द ड्रग एक्शन इज दियर फॉर डायरेक्टली को रिलेटेड विद द कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इज डिपेंडेंट अपॉन द ए डी एम ई प्रोसेस अब जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो डिजायर्ड थेरापूटिक रिस्पॉन्स है उसको शो करने के लिए ड्रग्स की एक खास मकदार का ब्लड के अंदर मौजूद होना बॉडी के अंदर मौजूद होना वो जरूरी है ठीक है Uh, बहुत ज़्यादा कम मेदार जो है ना उससे हमें जो डिज़ायर इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा uh, उसके बाद एक ब्रांच है फार्मेकोकाइनेटिक्स की जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्मेकोकाइनेटिक्स इट इज इन द एप्लीकेशन ऑफ़ द फार्मेकोकाइनेटिक प्रिंिपल टू द सेफ एंड इफेक्टिव थेरापूटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स इन एन इंडिविजुअल पेशेंट तो जो हमारे फार्माकोलॉजिकल uh, जो फार्मेकोकाइनेटिक और फार्माकोलॉजिकल फिक्स है ना इसमें से अगर हम फार्मेकोकाइनेटिक का पार्ट उठा के उसको अप्लाई करें ट्रीटमेंट में तो हम उसे कहेंगे क्लिनिकल फार्मेको तो जब तक हमें ड्रग का फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल पता नहीं होगा तो हम उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं कर सकेंगे या अगर हमें किसी ड्रग का और पेशेंट का अगर हमें पेशेंट की पूरी तरह उसकी डिजीज़ हिस्ट्री और जेनेटिक मेकअप मालूम हो और तो और हमें उसके लिए जो ड्रग चाहिए उसकी हमें पूरी तरह फार्माकोलॉजी भी मालूम हो और फार्माकोलॉजी में स्पेशली हमें उसका फार्मेको काइनेटिक जो डेटा है वो हमें अच्छी तरह मालूम हो तो हम ड्रग को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं सर्टन तो सिचुएशन में इस ब्रांच को हम कहते हैं क्लिनिकल फार्मिको इसके बाद है द प्राइमरी गोल ऑफ़ द क्लिनिकल फार्मेकोकाइनेटिक इंक्लूड इनहानसिंग एफिकेसी एंड डिक्रीजिंग टॉक्सीटी ऑफ ए पेशेंट्स ड्रग थेरापी तो जब तक हमें ड्रग के फार्मोकाइनेटिक प्रोफाइल का अच्छी तरह पता होगा तो हम उसके एडवर्स इफेक्ट से भी बच सकते हैं कि इतने मकदार में अगर ये ड्रग ब्लड में मौजूद हो तो बेनिफिशियल होगा इससे ज़्यादा होगा तो ये टॉक्सीसिटी क्रिएट करेगा तो इट इज़ मस्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द फार्मेको डायनेमिक तो हमें फार्मेको डायनेमिक्स को अप्लाई करने के लिए फार्मेको काइनेटिक्स की ज़रूरत है अगर हमें फार्मेको काइनेटिक्स का पता नहीं होगा तो हम फार्मेको डायनेमिक्स को जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते द डिवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉग कोर रिलेशन बिटवीन द ड्रग कंसट्रेशन एंड दियर फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ज़ एनेबल्ड क्लीनिशन टू अप्लाई फार्मेकोकनेटिक प्रिंपल टू द एक्चुअल पेशेंट सब सिचुएशन द सेफ एंड एफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट इज़ नॉट ओनली ए फंक्शन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग बट आल्सो ए फंक्शन ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड टू द एडमिनिट्रेशन ऑफ मेडिकेशन जो ट्रीटमेंट है उसकी सेफ्टी और इफिकेसी के लिए उसकी सिर्फ ड्रग्स की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज से काम नहीं चलता लेकिन हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी जो है ना उस केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो ड्रग मालिक्यूल की है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है तो अगर हमें उस रिस्पॉन्स का पता होगा तो हम ड्रग को अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे और अगर उसका पता नहीं होगा तो हम अप्लाई नहीं कर सकते आ, तो सबसे पहले है एब्जॉर््पन इज द ट्रांसफ़र ऑफ ए ड्रग मालिक्यूल फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन टू द ब्लड स्ट्रीम जब हमारे बॉडी में हम ड्रग को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये एब्ज़ार्ब हो के ब्लड स्ट्रीम में जो जाती है ना इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्बन तो जब तक ड्रग एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं करेगा आ, आ, जब हमारे बॉडी में ड्रग जाएगा तो एब्जार्ब होगा एब्जॉर्ब होगा तो ऑफ एक्शन तक जाएगा जब तक वो एब्ज़र्ब नहीं होगा तो साइट ऑफ एक्शन तक वो नहीं पहुंचेगा द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्शन डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अब हमने ये देखना है कि जो ड्रग हमने अप्लाई किया है बॉडी में वो किस रूट से अप्लाई किया है इंट्रावीनसली अप्लाई किया है इंट्रामर किया है टॉपिकल किया है तो जो रेट ऑफ एबजॉर्शन है ना ये डिपेंड करता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे कि हमने किस रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर किया है इनसाइड द बॉडी द इसके साथ साथ वो ड्रग जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसकी फार्मोलेशन कैसी है वो टेबलेट फॉर्म में है कैप्सूल फॉर्म में है आ, सीरप फार्म में है इंजेक्शन में है तो वो जो उसकी ड्रग की जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी एब्जॉर्शन को इफेक्ट करती हैं और जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एब्जॉर्शन को इफेक्ट करता है Uh, when a drug is administered intravenously, the absorption is not required because the drug is transferred from the administration device directly into the blood stream तो अगर हम uh, blood को intravenously administer कर दें, तो हमने gastrointestinal track को bypass कर दिया। इसका ये मतलब था कि जितना drug हमने administer किया, उतना ही drug जो है, blood में पहुंच गया directly। तो ये जो जितना मालिक्यूल हमने एडमिनिस्टर किया जितने कंसंट्रेशन हद में एडमिनिस्टर की उतनी ही डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है तो उसके लिए एब्जॉर्शन जो है ना हंड्रेड परसेंट है यानी हंड्रेड परसेंट जो ड्रग था वो बायो अवेलेबल हो गया ब्लड में मौजूद है जितना हमने एडमिनिस्टर किया उतना ही चला गया तो ये इसकी एब्जॉर्शन जो है ना हंड्रेड परसेंट है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी हंड्रेड परसेंट है Uh, in the case of intravenous administration the entire dose of the drug is available to move to the site of drug action to jitna humne administer kiya utna hi pahuncha jata hai blood mein iske alawa jo dusre route se humne administer kiya to uski jo bioavailability hai na ki kitni miqdar drug की blood में चली गई वो depend करेगी कि intravenous के बगैर हमने किस route से administer किया है इसके बाद है The administration by other routes may result in less availability due to the incomplete absorption. When this occurs, less of the drug is delivered to the bloodstream and to the site of action. तो अगर हम intravenous के बगैर ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कर दें, ओरल कर दें, या टॉपिकल कर दें, तो less ड्रग एब्जार्ब होता है बॉडी में, ठीक है? आ, फॉर uh, एग्जांपल हम पहले टेबलेट या कैप्सूल लेते हैं तो ड्रग जो है ना पहले उस टेबलेट या कैप्सूल से गेस्ट वटस्टाइनल ट्रे के अंदर रिलीज होगी रिलीज होगी तो वो गेस्ट वटस्टाइनल जूसेस के साथ मिक्सअप होगी और वो टेबलेट डिजॉल्व होगी जब डिजॉल्व होगी तो उसका सलूशन बनेगा तो सल्यूशन के अंदर जो ड्रग है वो एफजार होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस दौरान कुछ जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो मेटाबोलाइज भी हो सकता है गेस्टो इंटस्टाइनल ट्रैक के अंदर और डिस्ट्राई भी हो सकता है एक्टिवेट भी हो सकता है और डीएक्टिवेट भी हो सकता है सो द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग ऑफ ए टेबलेट और डिजोलूशन जब हम टेबलेट या किप्सूल को किसी सोलूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। uh, अच्छा ड्रग्स विद स्मॉलर पार्टिकल साइज गो इन टू सोलूशन मोर रीडली अगर ड्रग मालिक्यूल का अपना मालिक्यूलर साइज छोटा हो तो उसका सोलूशन आसानी से बनेगा द इनर्ट इंग्रीडियंटिड टू तो द फॉर्मुलेशन कैन आल्सो अफेक्ट दियर डिजोल्यूशन अब जिस चीज़ से टेबलेट बना है उसमें एक एक ड्रग के अलावा कुछ इन एक चे मालिक्यूल्स भी होंगे जिसको हम एक बोलते हैं ठीक है उसमें स्टार्च होगा उसमें शुगर होगा उसमें कलरिंग एजेंट होगा उसमें फ्लेवरिंग एजेंट होगा मुख्तलिफ़ उसमें चीज़ें होंगी तो जो ड्रग मालिक्यूल है उसकी जो सल्यूशन है उसकी फार्मेशन के लिए इनर्ट मालिक्यूल जो एक्सीपियंट्स हैं वो भी एब्जॉर्शन को इफेक्ट करती हैं कि सोलूशन जल्दी बनता है या जल्दी नहीं बनता द इनर्ट इंग्रीडियन फार्मोलेशन कैन दियर डिजोलूशन टेबलेट्स देट डिजॉल्व टू अर्ली आर आल्सो प्रॉब्लमेटिक बिकॉज देट टेस्ट बेट एंडिफिकल्टेलो अच्छा अगर हम कोई एंटीबायोटिक्स टेबलेट बना लें और उसको हम डिस्पासबल uh, फॉर्म में बना दें तो हो सकता है कि वो गेस्ट इंटस्टाइनल ट्रैक में जाने से पहले ही डिज़ोव हो जाए तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा वो एक तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत बुरा होगा अगर उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट मिला भी देना तो ये हो सकता है कि वो साइट ऑफ एब्जार्शन तक पहुंचे ही ना जिस एरिया में गिस्ट इंटेस्टाइनल इंटस्टैनल के जिस एरिया में उसने एफजार होना है ना उधर तक वो पहुंच ही ना पाए और दूसरा वो हमारे गिस्ट इंटेस्टाइनल इंटस्टैनल को ख़राब भी कर दें या जो हमारा गिस्ट इंटेस्टाइनल इंटस्टैनल है वो ड्रग को ख़राब कर दें तो जो टेबलेट या कैप्सूल की डिजोलूशन है ना वो इसी तरीके से की जाती है कि ना वो बहुत ज़्यादा टाइम ले डिज़ोलूशन में और ना बहुत ज़्यादा वो जल्दी डिजॉल्व हो जाए अब कुछ टेबलेट्स या कैप्सूल जो है ना उसको हमें जल्दी साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचाना है तो ऐसी सिचुएशन में हम टेबलेट को डिसपर्सबल बनाते हैं और अगर हमें साइट ऑफ एबजॉर्शन तक ड्रग को आराम आराम से पहुँच पहुँचाना है यानी ज़्यादा टाइम तो लेगा वो लेकिन ज़्यादा वक़्त तक वो काम करेगा तो फिर ऐसे फार्मूलेशन को हम डिलेड फार्मूलेशन कहते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ड्रग को आहिस्ता हिस्ता रिलीज़ करती हैं आ, या बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं या 24 फ़ोर आवर में वो ड्रग मालिक्यूल को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती रहती हैं तो ऐसे फार्मूलेशन को हम कहते हैं डिलेड फार्मूलेशन ठीक है There are special formulations or coatings uh, which can use the, to delay the dissolution, thereby protecting the drug from the stomach acid or allowing the gradual release of the drug to the intentionally lengthen the process of the absorption. These are referred to as delayed or sustained release formulation. The liquid preparations do not require the step of the dissolution. Abham uh, syrup lete तो वो तो एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है उसके लिए डिजोलूशन की ज़रूरत नहीं होती वो डायरेक्टली सोलूशन फॉर्म में होता है दिस एक्सप्लेन्स द मोर रेपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन सीन विद द लिक्विड फार्मोलेशन एज कम्पेयर विद द सेम ड्रग गिवन इन टेबलेट और कैप्सूल फॉर्म तो अगर डिस्पर्सिबल टेबलेट के बगैर अगर हमारे पास कोटेड टेबलेट हो या इंटीरियर कोटेड कैप्सूल हो तो उसके मुकाबले में सिरप की आब्जॉर्बन तेज़ होगी लिक्विड uh, फॉर्म की एब्जॉर्शन तेज होगी वंस द डिसोल्यूशन हैज अकर्ड द ड्रग मॉलिक्यूल मस्ट पास थ्रू द सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स लाइनिंग द गेस्ट ऑफ इंटस्टाइनल टू रीच द ब्लड स्ट्रीम तो जब डिजोलूशन uh, होगी तो उसके बाद एक्चुअली एब्जॉर्शन का प्रोसेस शुरू होगा और ड्रग मॉलिक्यूल जो है ना सेल मेम्बरे गेस्ट ऑर इंटस्टाइनल ट्रेक के सेल्स हैं उसको क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा एक कैप्सूल आपको नजर आ रहा है ये एक डिलेड रिलीज कैप्सूल है इसके अंदर प्लेट्स मौजूद हैं ये ड्रग मालिक्यूल को आहिस्ता हिस्सा रिलीज करता है और जो उसकी एब्जॉर्शन है वो स्लोली होती रहती है और उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक जारी रहता है तो हमें बार बार डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली इट इज ए टाइप ऑफ द फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यही ड्रग मालिक्यूल अगर हम पिलेट्स की बजाय कैप्सूल में डायरेक्ट डाल के दे, दे दें तो वो तो डिजॉल्व जल्दी हो जाएगा तो लेकिन वो मेटाबोलाइज भी जल्दी होगा और एक्सक्रीट भी जल्दी होगा तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है हमें बार बार डोज लेने के बजाय हम सिंगल डोज से या कम डोजेज से ज़्यादा काम ले सकें और उसके साइड इफेक्ट भी कम हो तो इसके लिए हम डिलेड रिलीज प्रिपरेशन देते हैं इसके मुकाबले में अगर हमें रिस्पॉन्स जल्दी चाहिए क्विक चाहिए तो हम फिर डिलेड प्रिपरेशन नहीं देते ठीक है तो आज के लिए एक्चुअली इतना काफ़ी है इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्शन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल। थैंक्स